कर्नाटक के कोडगु जिले की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर भूस्खलन की वजह से बस स्टैंड तबाह हो गया। कर्नाटक के कुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ और बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हुआ है और इस भूस्खलन की वजह से अब तक कुर्ग जिले में कुल 13 लोग मारे गए हैं, वहीं 18 लोग अभी भी लापता हैं। मैं मौजूद हूं मडिकेरी इलाके में, जो यहां का ज़िला मुख्यालय है, और आप देख सकते हैं कि ये जो सामने इमारत गिरी है, ये यहां का प्राइवेट बस स्टैंड है, जो भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से टूट कर ज़मींदोज हो गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक करीब 6,000 लोगों को बचाया गया है। वहीं NDRF के साथ साथ अलग अलग जो सुरक्षा दल के जवान हैं, उनको लगाया गया है इस पूरे इलाके में कि वो बचाव कर सके। लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाएं। आप देख सकते हैं कि ये मडिकेरी जो है, ये एक पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन क्षेत्र होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन भूस्खलन की वजह से कुर्ग से अलग अलग इलाकों में जाने वाली जो सड़कें हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई हैं और कई जगह पर इस तरह से जो लैंडस्लाइड है वो लैंडस्लाइड हुआ है। राहत एवं बचाव कार्य के तहत अब तक कुर्ग में कुल 30,000 लीटर दूध का टेटपैक और 1 टन मिल्क पाउडर लोगों तक पहुँचाया गया है। उसके साथ ही ब्रेड और अन्य खाने की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुर्ग में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री HT कुमारस्वामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मुख्यमंत्री से बात कर यहां के हालात का जायज़ा लिया है। मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद देने की बात कही है और इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के साथ है पूरी तरीके से और किसी को भी नुकसान ना हो इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है, उसको देखते हुए सरकार ने अब तक NDRF के अलावा डोगरा रेजिमेंट के 60 जवानों को तैनात किया है। साथ ही नेवी के 12 डाइवर्स, अग्निशमन विभाग के 525 जवान और साथ ही होमगार्ड्स को भी लगाया गया है और अलग अलग इलाकों में जो भूस्खलन हुआ है उस भूस्खलन में सड़कों को और जगहों को साफ करने के लिए सरकार की तरफ से कुल 60 JCB तैनात किए गए हैं, ताकि जो स्थिति प्रभावित हो रही है उसको कम से कम किया जाए। लेकिन कुर्ग में लगातार हो रही बारिश की वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है और लोगों के सामने एक खतरा है कि जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वो लैंडस्लाइड कभी भी किसी के भी घर के पास में या उसके घर तक आ सकते हैं। ऐसे में इस पूरे कुर्ग जिले में लोगों को सचेत रहने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, कुर्ग, कर्नाटक। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।